तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं NCERT कक्षा छठवी की साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने बात कर ली थी, 14 चैप्टर देख चुके हैं, आज बात करेंगे 15वां चैप्टर हमारे चारों ओर वायु के। याद रखिए, फिर से वही कहूँगा कि इसे कहानी की तरह सुनिए या फिर पढ़िए, क्योंकि लास्ट में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो भी दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी दिए गए हैं जो आपके अध्याय में परिभाषित किए गए हैं कहानी के रूप में। अगर वो शब्दों की परिभाषा आपको समझ में नहीं आती तो फिर आप लोग एक बार दोबारा सुनिए, इसे पढ़िए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट, मुझे भरोसा है कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना दिमाग लगाने की ना ही ऐसा कोई शब्द ऐसा है जो किसी को समझ ना आए। हमारे चारों ओर वायु, आपने अध्याय 9 में देख सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चित ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पेस्ट आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है? अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था। निष्पावन की प्रक्रिया बहती हुई वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है, कभी कभी ये तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपर ऊपरी हिस्सों को भी उड़ा ले जाती है। क्या आपने कभी फिरकी से खेले हैं इस तरह की? आइए इस क्रियाकलाप में हम लोग जानते हैं। दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए, उसे एक खुले क्षेत्र में विभिन्न दिशाओं में रखिए, इसे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा को में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही हो, यह आपका वात सूचक। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2, कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल से खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15:4 की तरह इस तरह अनुसार डूबें। बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या आप पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं, यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार से खाली नहीं थी, वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुला के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है।
क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतरोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? ठीक है, वायु किससे बनती है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि वायु वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इसके मिश्रण को के मुख्य अवयवों के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवाष्प। जलवाष्प के रूप हमने पढ़ा है कि जल की वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है होती है। हमने यह भी देखा है कि जल वायु किसी ठंडे पेस्ट के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जलचक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन वायु का दूसरा घटक है। ऑक्सीजन क्रियाकलाप 3 अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक लंबाई समान लंबाई की 2 मोमबत्तियों की मेज पर लगाएं, उन्हें जला दें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या फिर बुझ जाती हैं। आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद वह समाप्त हो जाता है जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वह ऑक्सीजन कहलाता है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाते हैं? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है उसे हम लोग नाइट्रोजन कहते थे। देख लीजिए आप लोग भी कि किस कहानी एक कहानी रूप का रूप देकर किस तरह शब्दों को समझाया गया। बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्रित होने के कारण हुई जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं धूल या फिर धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो पर्यावरण हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैस को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। जानते हैं कुछ क्रियाकलाप के 4 के द्वारा। अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या फिर खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखें। इस तरह वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। देखिए क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। एक कण क्या है आखिर? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा जिसमें धूल कण नित करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल
तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आपने उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा होगा? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक जो धूल के कण होंगे आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। भीड़ भरे चौराहे पर आपने पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण देखा होगा इस तरह, ठीक। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें जलवाष्प धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में यह दोनों मिलकर ही वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों एवं जल होते हैं। ऑक्सीजन या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं दूसरी गैसें, या आपका बड़ा हिस्सा है नाइट्रोजन। अब बात करते हैं हम लोग पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। क्रियाकलाप 5 द्वारा जानते हैं। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देख लें। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले में इससे चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 और 9 में पढ़ा है कि जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब इसके लिए भी हम लोग क्रियाकलाप 6 देखते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक डेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी आपकी वायु है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव तथा पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करती हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान और तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने का के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों या मंदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? इसे भी देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? अध्याय 7 में हमने विकास संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन क्या है? श्वसन पौधों के द्वारा विकास संश्लेषण से संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधों तथा जंतुओं एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग? आपने देखा होगा पवन चक्की, ये भी आपके लिए वायु। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नाव को खेने में
ग्लाइडर, पैरासूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती। पक्षी चमगादड़, कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु से पौधे के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, इस प्रमुख शब्दों की परिभाषा देखी है, वायुमंडल भी देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देखी है, वायु की संरचना देखी है, ऑक्सीजन देखा है, नाइट्रोजन देखा है, धुआं देखा है और पवन चक्की का उपयोग देखा है। ठीक, इस तरह से तो यही बताता हूँ कि आप लोग चैप्टर आराम से पढ़िए, शुरू में 10-15 मिनट जितना भी टाइम में खत्म हो जाता है तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए। लास्ट में अपने आप अगर इन शब्दों की सब परिभाषा आपको समझ में नहीं आती है तो दोबारा देख लीजिए, वैसे आ जाएगी, एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो सारांश दिया गया है, सारांश, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है, जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, इसमें कुछ धूल कण भी होते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वायु की वह पर जो पृथ्वी को घिरे हुए है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वायु से संबंधित चैप्टर, या आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। ठीक है, ये था आपका 15वां चैप्टर। एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है अगला, कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में, तो आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है।